हेलो फ्रेंड्स, मैं विनी वाधवा आज पहली बार इस लॉकडाउन के दौरान आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, अलग अलग फील्ड में सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसी पर बात करते हुए अपना पहला वीडियो पब्लिश कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो विजुअल आर्ट्स यानी कि दृश्य कला के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, और क्योंकि मैं खुद नेट JRF क्लियर्ड हूँ इसलिए मेरा मेन फोकस नेट पे रहेगा। और ना सोचें कि वो हिंदी में है या इंग्लिश में, ये दोनों ही मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आइए शुरू करते हैं। कैसे तैयार करें NTA UGC NET JRF दृश्य कला के लिए? सबसे पहले हमें अपने पूरे सिलेबस को अपने अनुसार जमाने का प्रयास करना होगा। जो लिखा है उसी को ना देखते हुए हम अपनी एक गणना बनाएं जिससे अनुसार हमें आगे की पढ़ाई करनी है। अपने अनुसार हमें सिलेबस को कैसे तोड़ना है ये मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी। दूसरा, हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, जैसे कि 2 घंटे मतलब रोज़ाना 2 घंटे किसी प्रत्येक विषय को पढ़ना चाहिए। उसी के साथ 15 मिनट हमें पिछले दिन का जो हमने पढ़ाई करी है उसका रिविज़न करने के लिए निकालने चाहिए, और साथ ही 15 मिनट हर विषय के क्वेश्चन सर्च करने के लिए निकालना चाहिए, जो कि हमें आगे पढ़ने में बहुत उपयोगी होगा। दोस्तों, हमें किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। नोट्स हम कैसे भी बना सकते हैं, पेन पेपर के मोड से, टैब, लैपटॉप, जो भी आप कंटेन करते हैं उससे आप अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बना के बहुत तरीके हैं, जो तरीका मैं यूज़ करती हूँ वो बताती हूँ कि नोट्स बनाते समय हमें अलग अलग रंगों के पेन यूज़ करने चाहिए। जैसे कि हम अगर विजुअल आर्ट्स में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण डेट्स होती हैं, हम उसे ग्रीन कलर से मेंशन कर सकते हैं। साथ ही जगहों के नाम हैं तो हम उसे गुलाबी कलर से मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम किसी महत्वपूर्ण इंसान व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो हम उसे लाल कलर से, ऐसे अलग अलग कलर्स हम अपना बना सकते हैं जो हमें याद रहने में बहुत उपयोगी रहता है। क्योंकि प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होता है मतलब ऑब्जेक्टिव, इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाषा को लेकर हमें अपना मनोबल कम करना चाहिए। जिस भी भाषा में हमें पढ़ने की सामग्री मिले हमें उसे पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें केवल हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टडी के लिए हमें क्वेश्चन आयर बना के पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं हम उसके क्वेश्चंस बनाएं और फिर बाद में नेक्स्ट डे उसका आंसर सर्च करें और डेली उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आजकल के जीवन में कि जितना हमारे किताबें हमारी मदद नहीं करेगी उतना ही डिजिटल एजुकेशन, जो हम कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, वीडियोस, ऑडियोस, PPTs यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, हम उससे उसकी पढ़ाई करें तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड साथ ही अगर हम पिछले 10 वर्ष के पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए क्लियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये नाउ लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि हमारे लिए ये क्लियर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। एंड वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, हम सब कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। थैंक यू ऑल द दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपने वीडियो आपसे मैं शेयर करती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो दृश्य कला के ही विषयों को लेकर उसका ट्यूटोरियल रहेगा, तो बी रेडी फॉर दैट एंड
बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए।